भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। बुद्ध और उनका धम्म बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर द्वारा रचित कालजयी पुस्तकों के इस रचना संसार में आपका स्वागत है। आप जानते हैं कि इस समय हम लोग बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर द्वारा मूल रूप से अंग्रेजी में रचित ग्रंथ द बुद्धा एंड इज धम्मा, इसका ये हिंदी अनुवाद आप तक पहुंचा रहे हैं। और ये जो हिंदी अनुवाद है ये भदंत डॉक्टर आनंद कौशल्यायन जी का है। आइए इस कड़ी में आगे बढ़ते हैं। आपको याद दिला देते हैं कि ये बुद्ध और उनका धम्म के पंचम कांड का दूसरा भाग है, और इस दूसरे भाग में बाबा साहेब जिस बात को हम तक पहुंचा रहे हैं बुद्ध और उनका धम्म के परिपेक्ष में, तो वो विषय है कि तपस्वी और भिक्षु इनमें क्या अंतर होता है। तो देखिए ये पूरी बात बाबा साहेब ने समझाई है। निग्रोध परिव्राजक और तथागत बुद्ध, इनकी बातचीत के आधार पर हमने पिछली कड़ी में देखा कि तथागत बुद्ध निग्रोध को समझाते हैं कि भाई एक जो तपस्वी होता है ये तपस्वी इस तरह से इतने काया क्लेश अपने शरीर को देता है, अपने इतने आत्मक्लेश करा लेता है स्वयं को, तो इसमें से काया क्लेश का ये जो कारक है इससे तपस्या की कौन सी पूर्ति हुई, हुई भी या नहीं हुई। तो निग्रोध कहता है कि भगवान सचमुच यदि ऐसा हो तो आत्मक्लेश कारक कठोर तपस्या की पूर्ति हो गई। निग्रोध कहता है कि तपस्या की पूर्ति तो हो गई, क्योंकि वो जो तपस्वी है उस तपस्वी ने अपने आप को जितनी यातनाएं वो दे सकता था उसने दे दिया। फिर तथागत कहते हैं कि हे निग्रोध, अब मैं कहता हूं कि इस प्रकार की आत्मक्लेश परक जो कठोर तपस्या है इसमें नाना दोष है। ये जो आत्मक्लेश कारक जो कठोर तपस्या है इसमें नाना दोष है। तो कहता है कि भगवान आप इसमें क्या दोष देखते हैं। तो तथागत कहते हैं कि हे निग्रोध, जब एक तपस्वी तपस्या करता है तो उससे उसे झूठा संतोष हो जाता है कि उसका उद्देश्य पूरा हो गया। जब कोई तपस्वी तपस्या करता है तो उसको ये झूठा एहसास हो जाता है कि भाई उसका उद्देश्य जो है वो पूरा हो गया, और वो संतुष्ट महसूस करने लगता है। हे निग्रोध, ये उसका एक दोष है। फिर कहते हैं कि जब एक तपस्वी तपस्या करता है तो उससे वह अपने को ऊंचा और दूसरों को नीचा समझने लगता है। अब अपने आप को ऊंचा और दूसरे को नीचा समझने लगना ये अपने आप में एक अहंकार की बात हो गई, ये भी एक दोष है। फिर तथागत कहते हैं कि जब एक तपस्वी तपस्या करता है तो उसे उसका नशा चढ़ जाता है और लगभग वो लापरवाह हो जाता है। जब वो तपस्या करता है तो उस तपस्या का भी उसे नशा चढ़ जाता है, और जब नशा चढ़ जाता है तो फिर वो लापरवाह हो जाता है, और ये भी उसका एक दोष है। ये जो लाभ और यश की उसे प्राप्ति होती है तपस्या जो करता है उसमें, तो वो लापरवाह हो जाता है और उससे उसे झूठा संतोष भी प्राप्त होता है, वह संतुष्ट रह जाता है, ये भी एक उसका दोष है। जब उसे लाभ की और यश की प्राप्ति होती है तो वह उसे अपने आप को ऊंचा मानने लगता है और दूसरों को नीचा समझने लगता है, ये भी निग्रोध, ये उसका दोष है। और इस तरह से बहुत सारे दोषों की चर्चा तथागत ने निग्रोध से की। आगे देखिए क्या कहते हैं तथागत कि हे निग्रोध, जब एक तपस्वी तपस्या करने लगता है तो वह भिन्न भिन्न प्रकार के भोजनों में भेद करने लगता है। जब कोई तपस्वी तपस्या करता है तो वो भिन्न भिन्न प्रकार के भोजनों में भेद करने लगता है, कहने लगता है कि ये भोजन ठीक है, ये भोजन ठीक नहीं, ये भोजन ऐसा है, ये भोजन वैसा है, ये भोजन करने से ये होता है, ये भोजन करने से वो हो जाता है, और वो भोजन में अंतर करने लगता है, भेद करने लगता है, और ये कहने लगता है कि ये मेरे अनुकूल पड़ता है, ये मेरे प्रतिकूल पड़ता है, ये मुझे नहीं चलता वो मुझे चलता है। जिन भोजनों को वह समझता है कि उसके प्रतिकूल पड़ते हैं उन्हें वह जानबूझकर त्यागता है।
वो जो भोजन उसके प्रतिकूल पड़ते हैं ऐसा वो कहता है, उसे वो जानबूझकर त्यागता है, और जिन्हें वह समझता है कि उसके अनुकूल पड़ते हैं उनके प्रति वह लोभी और मस्त हो जाता है और कई बार आसक्त हो जाता है। उनमें उसकी आसक्ति बढ़ जाती है, उनमें से उसे कोई भय कोई खतरा नहीं दिखाई देता, उन्हें वह रस लेकर मजे से खाता है। उस भोजन को वो रस लेकर मजे से खाता है। हे निग्रोध, ये भी उसका एक दोष है, ये जो है ये भी एक उसका दोष है। हे निग्रोध, एक तपस्वी अपने लाभ और यश की कामना के कारण ये सोचने लगता है कि उसकी और राजागण उसकी ओर राजागण आकर्षित होंगे। तपस्वी अपने लाभ और यश की कामना के कारण वो ये सोचने लगता है कि उसकी ओर राजागण आकर्षित होंगे, उनके मंत्रीगण आकर्षित होंगे, क्षत्रिय आकर्षित होंगे, गृहपति आकर्षित होंगे, तथा बड़े बड़े आचार्य भी आकर्षित होंगे। हे निग्रोध, ये भी उसका एक दोष है कि वो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश कर रहा है। हे निग्रोध, एक तपस्वी किसी दूसरे तपस्वी या ब्राह्मण को लेकर बड़बड़ाने लगता है। एक तपस्वी अगर किसी दूसरे तपस्वी को देखकर बड़बड़ाने लगता है, अमुक आदमी दुनिया भर की चीजें खाता है, आलू की तरह के कंद, शाखाओं पर लगने वाले फल, झाड़ियों में लगने वाले बेर आदि, जिमीकंद और नाना तरह के बीज, इन सभी चीजों को जबड़ों के वर्ज से पीस डालता है, इन सभी चीजों को वो जबड़ों के वर्ज से पीस डालता है, और तब भी लोग उसे धर्मात्मा कहते हैं। है निग्रोध, ये भी तपस्वी का एक दोष है। तथागत इस समय निग्रोध को तपस्वी के दोष समझा रहे हैं। फिर आगे देखिएगा क्या लिखते हैं। हे निग्रोध, एक तपस्वी देखता है कि किसी दूसरे श्रमण या ब्राह्मण को बहुत लाभ और बहुत यश प्राप्त हो रहा है, बहुत सत्कार सम्मान मिल रहा है। इसे देखकर वो सोचता है, नागरिक, इस आदमी का जो इतने ऐशो आराम के साथ जो रहता है, इतना आदर सत्कार करते हैं, इसे नागरिकों से इतना लाभ और यश प्राप्त है, लेकिन मैं जो तपस्वी हूँ, मैं जो इतनी कठोर तपस्या करता हूँ और मेरी ओर कोई ध्यान नहीं देता है, मेरा कोई आदर सत्कार नहीं करता, मुझे लाभ और यश की प्राप्ति नहीं होती, इसलिए उसे उन नागरिकों से शिकायत हो जाती है। ये भी तपस्वी का एक दोष है। अगर किसी के मन में ये लालसा उत्पन्न हो जाए कि उसे बहुत सम्मान मिल रहा है, मुझे नहीं मिल रहा, ये जो उसे मिल रहा है मुझे नहीं मिल रहा, ये जो ईर्ष्या उत्पन्न हो जाना, ये भी उस तपस्वी का दोष हो जाता है। और ऐसे तपस्वियों को कई बार हम देखते हैं, हमारे आसपास देखे जाते हैं। हे निग्रोध, तथागत आगे बढ़ रहे हैं, देखिएगा कि हे निग्रोध, एक तपस्वी रहस्यमय हो जाता है। एक तपस्वी जो होता है वो रहस्यमय हो जाता है। उससे यदि पूछा जाए कि आप इस बात को स्वीकार करते हैं वा नहीं, तो स्वीकार करते हुए वह कहेगा कि स्वीकार नहीं करता, और अस्वीकार करते हुए कहेगा कि स्वीकार करता है। इस प्रकार वह जानबूझकर झूठ बोलता है, यदि उससे पूछा जाए कि आप इस बात को स्वीकार करते हैं, तपस्वी का आचरण रहस्यमय हो जाता है। कभी बात कीजिएगा तपस्वियों से, उनकी बातें कई बार रहस्यमय बातें लगती हैं, समझ में नहीं आती कि कोई चीज छुपाकर बोल रहे हो, इस तरह की बात होती है। तो ये जो बात है कि इस प्रकार वो जानबूझकर झूठ बोलता है, और ये भी तपस्वी का एक दोष बन जाता है। तथागत ये बात निग्रोध से कह रहे हैं, और क्योंकि निग्रोध ने ये पूछा था कि वो जो तपस्या करते हैं स्वयं, उस तपस्या में क्या दोष है, क्योंकि तथागत ने कहा कि तपस्या में दोष होता है। तो इस दोष को समझाते हुए तथागत यहां तक पहुंचे हैं कि तपस्वी ये रहस्यमय बातें करने लगता है। हे निग्रोध, एक तपस्वी गुस्से भी हो जा सकता है। निग्रोध, तपस्वी जो है वो गुस्सा भी हो जा सकता है, उसको गुस्सा भी आता है, और उसके मन में द्वेष भी अपना घर बना सकता है,
उसे गुस्सा भी आता है और वो अपने मन में द्वेष को भी रख सकता है, यानी कि द्वेष भी उसके मन में घर बना सकता है। ये भी तपस्वी का एक दोष माना जाता है, ये भी जो है ये तपस्वी का एक दोष है। हे निग्रोध, तपस्वी ढोंगी बना जा सकता है, तपस्वी ढोंग भी कर सकता है। ऐसा नहीं कि अन्य लोग ही, सामान्य लोग ही, गृहस्थ ही ढोंगी हो जाते हैं, नहीं, तपस्वी भी ढोंगी बन जा सकता है, वंचक बन जा सकता है, ईर्ष्यालु बन जा सकता है, बड़बड़ाने वाला बन जा सकता है। मतलब जितने दोष है वाणी के, वो दोष उसमें आ सकते हैं और वो ढोंगी बन सकता है, वो वंचक भी बन सकता है, ईर्ष्यालु बन जा सकता है, बड़बड़ाने वाला बन जा सकता है, वह बड़ा चालक बन जा सकता है, वह बड़ा कठोर हृदय और अभिमानी बन जा सकता है। ये बड़ा कठोर हृदय और अभिमानी भी बन जा सकता है। वह मन में बुरी बुरी इच्छाएं रखता है और उनका गुलाम बन जाता है। वह मिथ्या धारणाएं बना लेता है और पराप्राकृतिक बातें करने लगता है। वो अपने ही मन में कुछ धारणाएं बना लेता है जो झूठी धारणाएं होती है, और उन मिथ्या धारणाओं के साथ वो पराप्राकृतिक बातें करने लगता है, किसी बाहर की बातें जिसका इस वास्तविक जीवन से कोई संबंध ना हो। वह अपने अनुभवों की गलत व्याख्या करता है, वह लोभी होता है। जो सोंग करता है, ढोंग करता है, वह लोभी होता है और एक गलत व्याख्या करता है वो अपने अनुभवों की। वह लोभी होता है, वह वैराग्य से परांगमुख होता है। ये भी तपस्वी का एक दोष है। निग्रोध, तुम क्या सोचते हो, आत्म क्लेश कर तपस्या में ये सब दोष है या नहीं? निग्रोध से पूछते हैं कि क्या तुम्हारी जानकारी क्या कहती है, क्या इसमें कोई दोष है भी या नहीं? तो निग्रोध कहता है कि तथागत, आत्मक्लेश पर तपस्या में ये सभी दोष निश्चय से है। ये असंभव नहीं कि कोई तपस्वी इन दोषों में से किसी से भी नहीं, सभी से भी युक्त हो, ये पॉसिबिलिटी है। भिक्षुओं को इन दोषों से मुक्त रहना चाहिए, भिक्षुओं को इन दोषों से मुक्त रहना चाहिए। ये भिक्षु जीवन का प्रैक्टिसिंग है। हम बुद्ध और उनका धम्म का हिंदी अनुवाद आप तक पहुंचा रहे हैं। यहां रुकते हैं इस वादे के साथ कि अगली कड़ी में आपसे पुनः भेंट होगी, जब हम इस प्रक्रिया में आगे बढ़ेंगे। तो तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिएगा। बुद्ध और उनका धम्म।